Welcome students. Welcome to Shivaji Group Institution online classes. Today we will start a new exercise in equality. Chapter is same triangle, but new topic is inequality in chapter triangle. Inequality. Open page number 105 in your book. See the theorem number 1. And what is the theorem? If two sides of a triangle are unequal, then the greater side has the greater angle opposite to it. It means इस theorem को मैं बोला क्या गया पहले आपको समझ लीजिए. आपसे ये बोला गया है कि suppose ABC is a triangle in which angle B is 30 degree, angle it is 50, it is 60, okay, and the rest one is 70 degree. Clear? So this theorem ke according to bola gaya hai, if two sides of a triangle are unequal, then the greater side has greater angle opposite to it. So greater side, जो भी ग्रेटर साइड होगी किसी भी ट्राइंगल की, जो ग्रेटर साइड होगी यानी जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी, बड़ी साइड होगी, उसके ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? ग्रेटर होगा. क्लियर? जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा एंगल ग्रेटर है? 70 डिग्री. तो 70 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड होगी वो लॉन्गेस्ट साइड होगी यानी कि सबसे बड़ी साइड होगी. क्लियर? और सबसे स्मॉलेस्ट साइड कौन सी होगी? जो एंगल आपको यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट दिख रहा है उसके ऑपोजिट में जो साइड होगी वो सबसे स्मॉलेस्ट होगी. जैसे 50 डिग्री के ऑपोजिट में साइड है AC, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑपोजिट टू 50 डिग्री. ओके, एंड ऑपोजिट ऑफ 70 डिग्री द साइड AB इज लॉन्गेस्ट साइड. कन्वर्सली यानी कि इसके ऑपोजिट में आप ये भी बोल सकते हैं कि द ग्रेटर साइड, द एंगल ऑपोजिट टू द ग्रेटर साइड, एंगल opposite to the greater side. Okay, suppose AB is the greater side, तो इसके opposite में जो angle होगा वो भी क्या होगा? Greater होगा. Clear? तो आपको यहाँ पे यही prove कर रहे हैं कि two sides are unequal, then greater side has greater angle opposite to it. Greater side के opposite में जो angle होगा वो भी greater होगा. यहाँ पे उसमें theorem में prove करना है. तो देखिए कैसे prove करेंगे. ये तो मैंने थ्योरम बताई कि इस थ्योरम में क्या बोला गया है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू स्टार्ट दिस थ्योरम. ओके, सी फर्स्ट वी राइट गिवन. क्या गिवन है आपको? अ ट्रायंगल एबीसी इन व्हिच एसी इज ग्रेटर देन एबी. अ ट्रायंगल एबीसी इन व्हिच एसी इज ग्रेटर देन एबी. एसी साइड इज ग्रेटर देन एबी. क्लियर? एसी जो साइड है AC साइड AB से ग्रेटर है यानी कि लॉन्ग है. क्लियर? टू प्रूव, हमें प्रूव ये करना है कि एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB. अब अगर AC साइड लॉन्गेस्ट साइड है तो इसके ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा यानी कि सबसे बड़ा एंगल होगा. तो एंगल ABC वी हैव टू शो एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB. और AB के ऑपोजिट में कौन सा साइड एंगल है? एंगल सी, यानी कि इसका नेम हो सकता है एंगल ए सी बी. एंड द एंगल ऑपोजिट टू द एसी साइड इज एंगल बी. द नेम इज, इस एंगल बी का नेम क्या है? ए बी सी. और इस एंगल सी का नेम क्या है? एंगल ए सी बी. आई होप आपको एंगल स्ट्राइक करना आता होगा. क्लियर? नाउ सी हाउ डू वी प्रूव इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रक्शन. अब यहाँ पे प्रूफ कैसे करेंगे? आपको अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करना है. क्या कंस्ट्रक्शन करना है? कंस्ट्रक्शन, मार्क पॉइंट डी ऑन एसी. मार्क पॉइंट डी ऑन एसी .
mark a point B on AC such that AD is equal to BD. आपने यहाँ पे बायलाइन कंस्ट्रक्शन यू हैव ड्रॉ और यू मार्क अ पॉइंट D एंड जॉइन BD. आपने BD को क्या कर दिया, जॉइन कर दिया. तो देखिए यहाँ पे आपके ट्रायंगल में ABD और DBC या ECD हो सकते हैं, क्या? तो यहाँ पर ये एंगल जो है जॉइन BD एंड AB इज इक्वल टू AD. हम लोगों ने एक बाय कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखाया कि हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसमें जो हमने यहाँ पे शो किया है कि AD इज इक्वल टू क्या AD है, ये बाय कंस्ट्रक्शन है. नाउ प्रूफ देखते हैं. नाउ सी द प्रूफ. प्रूफ फर्स्ट पॉइंट इज AB इज इक्वल टू AD. AB इज इक्वल टू AD बाय कंस्ट्रक्शन. सेकंड पॉइंट इज एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BDA. एंगल ABD angle ABD is equal to angle ADB. अगर हम लोग इस angle की बात करें, angle ABD, yeah, angle ABD, ABD and angle ABB, they both are equal. Why? We know that the angles opposite to the equal sides are equal. The angle opposite to the equal sides are equal. See. AB is equal to AD by construction. That's why the angles opposite of it are also equal. So, angle ABD is equal to angle BDA. This is the first equation. You can mention it as the first equation. Second point is, second equation, angle BDA is greater than angle DCB. BDA is greater than angle DCB. अब मैंने क्या किया, एंगल BDA को एंगल DCB, एंगल DCB इस वाले अंदर इस एंगल को मैंने बोला कि इस एंगल कौन सा है, एंगल ADC या बोल सकते हैं BDA, एंगल BDA इज ग्रेटर देन एंगल DCB. से ग्रेटर क्यों है, बिकॉज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल BCD इज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसके अपोजिट पे इंटीरियर एंगल से हमेशा ईच ऑफ इंटीरियर एंगल से हमेशा ग्रेटर होता है. दैट्स व्हाई वी आइडियल इट. थर्ड पॉइंट इज एंगल ABD इज ग्रेटर देन एंगल DCB. एंगल ABD is greater than angle DCB. देखिए मैंने अभी आपको सेकंड इक्वेशन में क्या शो किया, एंगल BDA is greater than angle DCB and फर्स्ट इक्वेशन I have shown you the angle ABD is greater than angle BDA. By equation 1 and 2 we can write angle ABD is greater than angle DCB because angle ABD is equal to angle BDA and angle BDA is greater than angle DCB. That's why in place of angle BDA we write angle ABD. See, angle ABD is equal to angle ABD is equal to angle BDA. So in place of angle BDA we write angle ABD which is greater than angle DCB by equation 1 and 2. Face of open करके रखेंगे 105 equation. जब आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप वीडियो के साथ साथ अपनी बुक को ओपन करके जरूर वॉच आउट करते हैं. क्लियर. द फोर्थ इक्वेशन इज एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ABD. ABC इज ग्रेटर देन एंगल ABD. ABC इज ग्रेटर देन एंगल ABD. ऑब्वियसली बात है, सपोज ये एंगल है और इस एंगल में अगर हम बात करें यहाँ पर ये कंप्लीट एंगल कहने का मतलब ये एंगल यहाँ पर एंगल ABD इज द पार्ट ऑफ एंगल ABC. एंगल ABD जो है वो क्या है, एंगल ABC का भी पार्ट है. दैट्स व्हाई एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ABD. एंड द अदर पॉइंट एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल BDA.
BC mean ABC is greater than angle DCB by using equation 3 and 4. Now this result comes from equation 3 and 4. See, ABC is greater than angle DCB. Clear? Now, if angle ABC is greater than angle DCB, then in place of angle DCB, we can write angle ACB. क्यों? क्योंकि angle DCB की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, it means we are talking about the angle C, okay? And angle C को आप angle ACB भी बोल सकते हैं, और angle C को आप angle DCB भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर angle DCB की जगह पे हम उन्हें क्या रखेंगे? Angle ACB. Hence, if angle ABC, तो यहाँ पे क्या प्रूव हो गया? Angle ABC is greater than angle ACB, thus AC is greater than AB. It implies that angle ABC is greater than angle ACB. Clear? Now see the theorem second, which is the converse of theorem first. Okay? अभी जो आपने theorem first पढ़ी, if two sides of a triangle are unequal, then the greater side has greater angle opposite to it. And same similarly, theorem second is the converse of theorem first. It means if two angles of a triangle are unequal, book pe dekhte jaiye page number 106. If two angles of a triangle are unequal, then the greater angle has greater side opposite to it. It means isko aise samajhiye, theek hai? If two angles of a triangle are unequal, right angle triangles को बता देते हैं आपको, suppose ABC is a right angle triangle, clear, at B, angle B is 90 degree, angle B is 90 degree. In a right angle triangle, one is right angle and the rest angles are acute angles. Rest angles are acute angles. It means acute angles are less than 90 degree. Acute angles are less than 90 degree. It means angle B is the largest angle of triangle ABC. किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल भी जो एंगल भी नहीं होता, 90 डिग्री जो भी एंगल है तो राइट एंगल होता है, वो सबसे लॉन्गेस्ट एंगल होता है. दैट्स व्हाई द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटेस्ट और लॉन्गेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट साइड. द साइड ऑपोजिट टू द लॉन्गेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट. ठीक है, greater side, you can write greater side, greater angle has greater side opposite to it. किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है? हाइपो, जो उसकी हाइपोटेन्यूज होती है वो उसकी लॉन्गेस्ट साइड होती है. और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये किसके ऑपोजिट में है? ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री के ऑपोजिट में है. तो ये जो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होता है ना कि ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट. देखिए 90 डिग्री के ऑपोजिट में ये हाइपो है और ये इस राइट एंगल ट्राइंगल की क्या है? Greater side. Clear? Now we move to the some important points of this chapter, of this exercise.
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए आपका थ्योरम जो पेज नंबर 106 है एंड 107 इसमें लास्ट में रिमार्क में लिखे हुए हैं द फर्स्ट पॉइंट इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज द ग्रेटेस्ट एंगल द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज द ग्रेटेस्ट एंगल ऑपोजिट टू इट एंड कन्वर्सली कन्वर्सली मीन्स जस्ट ऑपोजिट ऑफ इट इट मीन्स ग्रेटेस्ट एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होगी वो लार्जेस्ट होगी और सेम उसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हैं द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज द ग्रेटेस्ट एंगल सेकंड पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑपोजिट टू इट क्लियर सपोज अगर ये आपके लिए 90 है तो रेस्ट एंगल का सम कितना होगा वो भी 90 होगा तभी तो कंप्लीट पूरा 180 होगा अगर यहाँ पे 90 है ये सपोज 40 डिग्री है और ये 50 डिग्री है क्लियर एंगल ए इज 40 डिग्री एंड एंगल सी इज 50 डिग्री एंड एंगल बी इज 90 डिग्री तो लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे क्या हो जाएगी लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी एसी एसी क्या हो जाएगी लॉन्गेस्ट साइड क्लियर एंड द साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल इज स्मॉलेस्ट एंगल के ऑपोजिट पे जो साइड होगी वो आपकी साइड कैसी होगी स्मॉलेस्ट साइड होगी तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है एंगल ए एंड एंगल ए इज 40 डिग्री और इसके एंगल ए के ऑपोजिट पे साइड कौन सी है साइड बी सी इट मीन्स दिस इज बी सी इज द स्मॉलेस्ट साइड फॉर द गिवन ट्रायंगल जो मैंने ट्रायंगल यहाँ पे दिया है उस कंडीशन के बेसिस पे मैंने यहाँ पे आंसर लिखे हैं और जब ये चीज फॉलो नहीं होती है पता चले आपने लर्न कर लिया कि नहीं एसी लॉन्गेस्ट होगा तो एसी हट जाएगा राइट नो अकॉर्डिंग आई हैड राइट हियर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एसी इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड बीसी इज द स्मॉलेस्ट साइड द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज ग्रेटर एंड द साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल इज स्मॉलेस्ट Clear? Now, in next turn, we will solve the exercise 8C. Till then, do the work. Thank you.